डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? क्यों चले तीन दोस्त एवरेस्ट की ऊंचाई पर, किसके सपने को पूरा करवाना चाहती है परिणीति, कौन सी भूमिका निभाएगी परिणीति? राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मल्टी स्टारर मूवी ऊंचाई का ट्रेलर फैंस को गुदगुदा रहा है, जिसे आज रिलीज कर दिया गया है। रिलीज से पहले मेकर्स ने अपनी मूवी का एक और नया पोस्टर साझा किया था, जिसमें ऊंचाई की पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही थी। अगर ट्रेलर की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस द्वारा शेयर इस ट्रेलर में सभी की मजबूत दोस्ती का बॉन्ड दिख रहा है। ट्रेलर में परिणीति चोपड़ा, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और सारिका दर्शकों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसमें चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो जिंदगी को बड़े ही मजे और हंसी खुशी के साथ जी रहे हैं, लेकिन अचानक ही उनकी लाइफ एक अलग ही मोड़ ले लेती है और उनका एक दोस्त जिसकी भूमिका डैनी डेंजोंगपा निभा रही हैं, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इनका एवरेस्ट की चढ़ाई करने का सपना अधूरा रह जाता है, जिसके कारण बाकी बचे हुए तीन दोस्त यानी अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी उनके इस सपने को पूरा करने के लिए एवरेस्ट जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात परिणीति चोपड़ा और बाकी मुश्किलें से होती है। परिणीति मूवी में इनका सपना पूरा करने में इनकी कोच के रूप में दिखाई देंगी। बता दे, परिणीति चोपड़ा टूरिस्ट गाइड श्रद्धा गुप्ता के किरदार में नजर आने वाली हैं। ऊंचाई सूरज वर्षात्या के निर्देशन में बनी एक मल्टी स्टारर मूवी होगी। राजश्री प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस मूवी में ज्यादातर के हिस्से नेपाल और कश्मीर में शूट हुए हैं। ये मूवी अगले महीने 11 नवंबर को रिलीज होगी। आपको बता दें, ये मूवी राजश्री प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी 75th मूवी है, जिसको वो पर्दे पर खास अंदाज में पेश कर रहे हैं। और इस मूवी से लंबे वक्त के बाद सलमान खान को बॉलीवुड में एंट्री कराने वाले निर्देशक सूरज बड़जात्या निर्देशन के क्षेत्र में वापसी कर रहे हैं। जबकि ये मूवी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के लिए भी खास है, क्योंकि उनकी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। तो ट्रेलर देखने के बाद आप मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। बाय बाय।